आप सभी दोस्तों को नमस्कार। माई सेल्फ ललित राजपूत फ्रॉम रोहतक हरियाणा, और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ललित राजपूत MLM के ऊपर। और आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। एक बहुत ही शानदार प्लान आप लोगों के सामने आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे आप बहुत कम टाइम के अंदर अपने सभी ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं और आने वाले टाइम में अपने नेटवर्क की ग्रोथ जो बहुत तेज़ी से आप ग्रोथ कर सकते हैं, तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उस कंपनी का नाम है Adutron.network। और ये कंपनी अभी जस्ट लॉन्च हुई है, और अभी लॉन्च होने के बाद अभी इस कंपनी ने जो प्लान प्रेजेंटेशन डिज़ाइन किया है वो बहुत ही शानदार डिज़ाइन किया है, जिसके अंदर आप सीखते सीखते पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि ये ई कॉमर्स का प्लान इन्होंने डिज़ाइन किया, क्योंकि इस प्लान के अंदर आप बोला जाता है लर्निंग प्लस अर्निंग आप कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम Adutron रखा है। एडू की फुल फॉर्म इन्होंने एजुकेशन रखी है, और जितनी भी ट्रोन के ऊपर कंपनियां चली हुई हैं, लेकिन ये कंपनी Adutron इसीलिए रखा है ताकि लोगों को ब्लॉकचेन के ऊपर प्रॉपर नॉलेज हो पाए, और प्रॉपर तरीके से वो नॉलेज कर यहाँ से अपने नेटवर्क को अच्छे तरीके से सिखा के यहाँ पर पैसा कमा पाए। तो आगे बढ़ते हैं हम, लाइफ चेंज अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ही कम टाइम के अंदर अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों का आज स्वागत है Adutron नेटवर्क के अंदर। अब हम नेक्स्ट पेज की बात करते हैं, Adutron पावर। इसकी ट्रोन की जो कंपनी जो बनाई है, इसकी जो पावर है, सबसे पहले ट्रोन ब्लॉकचेन के ऊपर प्रॉपर तरीके से अभी साइट लाइव हो जाएगी, और 10 साल के लिए प्रॉपर तरीके से ट्रोन को ब्लॉकचेन के ऊपर इन्होंने जो Adutron का डेमोक्रेसी ले ली है, तो प्रॉपर 10 साल तक ये कोई भी इसको नहीं बोल सकता, और प्रॉपर तरीके से इसको एजुकेशन दिया जाएगा। वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर तरीके से सर्टिफाई, मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हर तरीके से, कोई भी इसके अंदर 10 साल तक कोई चेंजमेंट नहीं होगी, और प्रॉपर तरीके से सारी की सारी लीगल टिकेसी काम कर रही है। लो इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट का प्लान कंपनी ने लॉन्च किया है, कोई भी इसके अंदर ज़्यादा अमाउंट नहीं लगती, मात्र 2,000 रुपये से इसके अंदर आप शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद इंसेंट पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन, मतलब यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन करने के लिए आप इंस्टली इसके अंदर आप अपने अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये आपको ज़्यादा देर तक आपको इसमें वेट नहीं करना पड़ेगा कि आपको वीकली मंथली के लिए कोई वो नहीं, जैसे आप अपना पेयर तुरंत आप अपने अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। नो ओनर नो एडमिन, कोई भी इसके अंदर ओनर नहीं होता, कोई इसके अंदर CMD MD नहीं होता। इस कंपनी को जैसे ही कंपनी की जो साइट है ब्लॉकचेन की साइट के ऊपर जैसे ही लाइव होती है, तो उस एडमिन सारा अधिकार सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है, तो कोई भी इसके अंदर CEO नहीं होता। उसके बाद इम्पॉसिबल टू हैक, कोई भी इस कंपनी का आपका जो भी अकाउंट बनता है कंपनी के द्वारा, तो उसके में कोई भी आपका ब्लॉकचेन के ऊपर अकाउंट को हैक नहीं कर सकता। प्रॉपर तरीके से सॉफ्टवेयर में सारी चीज़ वेरीफाइड होती हैं, और प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर काम होता है, कोई भी आपके अकाउंट को हैक नहीं कर सकता। 100% डिसेंट्रलाइज प्लान है, एक बार ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी प्लान डल गया 10 साल तक पहले, इसके अंदर आप कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के ROI प्लान चले हुए हैं, जिनके अंदर एडमिन जब चाहे अपनी कंपनी को ऑफ कर सकता है, और जब चाहे वो क्लोज करके भाग सकता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज प्लान में कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते, और कोई भी इसको जब तक लीगल तरीके से काम चल रहा है कोई इसको रोक नहीं सकता। बिल्ड टू टीम ग्लोबल, प्रॉपर तरीके से आप इसके अंदर चाहें तो पूरे भारत के अंदर ब्लॉकचेन के माध्यम से पूरे वर्ल्ड के अंदर आप अपनी टीम बना सकते हैं, और पूरी ग्लोबल इंडस्ट्री के अंदर आप राज कर सकते हैं, इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। अर्निंग इन मिलीनर टू ट्रोन, आप चाहें तो जितना चाहें उतना पैसा इससे कमा सकते हैं, आपकी चाहत होनी चाहिए कितना पैसा आप इससे कमाना चाहते हैं। ट्रोन के माध्यम से आप पूरे भारत में जितना चाहें उतना बड़ा नेटवर्क, और जितनी चाहें उतनी बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रोन क्या है, और ट्रोन का आविष्कार कैसे हुआ, और लोगों को आज क्रिप्टो करेंसी क्यों करना ज़रूरी है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मैं आपको कुछ टाइम पीछे लेके जाना चाहूँगा कि राजा महाराजों के टाइम में क्या हुआ करता था, लोगों का जो लेन देन है वो लेन देन क्या हुआ करता था, वो गेहूँ के द्वारा, चावल के द्वारा, या किसी भी खाद्य पदार्थ के द्वारा एक दूसरे का लेन देन हुआ करता था। इसी प्रकार लोग एक दूसरे से लेन देन किया करते थे, जैसे चावल के बदले गेहूं ले लिया, गेहूं के बदले चावल ले लिया, इसी प्रकार लोग लेन देन किया करते थे। उसके कुछ टाइम बाद गोल्ड आया, फिर लोग सोने के द्वारा लेन देन करने लगे, और लोग इसी का आदान प्रदान करने लगे। उसके बाद कुछ दिन के बाद सिक्के आए, मतलब कॉइन्स आ गए, उसके बाद लोग इसके द्वारा लेन देन करने लगे। उसके बाद पेपर मनी आए, जैसे कागज के नोट आ गए, लोग कागज के नोटों के द्वारा लेन देन करने लगे। उसके बाद प्लास्टिक के कार्ड आए, आप लोगों को पता है, लोगों को लगा कि ये नोट भी हम जेब में इतने सारे लेके नहीं जा सकते,
सकते हैं एक जगह, इनको सेफ हमारी जेब में नहीं है, तो इसलिए फिर लोग प्लास्टिक के कार्ड, एटीएम कार्ड को यूज़ करने लगे, स्मार्ट कार्ड आ गए, डेबिट कार्ड आ गए, तो इन लोगों इनको यूज़ करने लगे। उसके बाद ऐसे चलते चलते कुछ दिन के बाद इन लोगों को लगा कि इनके अंदर भी अब चेंजमेंट होना चाहिए, कि ये भी सेफ नहीं है, जेब के अंदर टूटने का खतरा है या कुछ और कहीं भूलने का खतरा। उसके बाद फिर लोगों के पास आज के दिन में जैसे नेट बैंकिंग का ऑप्शन आया, जैसे आज लोग गूगल पे, फ़ोन पे, बिना बैंक में जाए कहीं से भी, किसी भी, कहीं भी बैठा हो पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी लेन देन कर सकता है अपने फ़ोन के द्वारा। ऐसे आने वाला टाइम क्रिप्टो करेंसी का है। ये क्रिप्टो करेंसी इतनी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है कि लोग चेंज समय के अनुसार इसको समझ जाएंगे और इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेंगे, तो आने वाला जो टाइम है वो क्रिप्टो करेंसी का है और लोग इसी के द्वारा आगे लेन देन किया करेंगे। जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रोन का आविष्कार किया है, ये एजस्टन सेन है, इन्होंने ट्रोन का आविष्कार किया है और इन्होंने करोड़ों सिक्के ट्रोन के बनाए हैं, जिनके द्वारा पूरे वर्ल्ड के अंदर ट्रोन के सिक्के चल रहे हैं और इनका रेट घटता रहता है। इनका नाम है जस्टन सेन। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो मुद्रा आई थी उसका नाम था बिटकॉइन, और ये 2008 के अंदर आई थी। इसकी 80 पैसे से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। अब 2008 के अंदर जब हमने 80 पैसे मतलब 100 सिक्के भी ले के रख लिए होते तो आज हमारे पास अरबों की संपत्ति होनी थी, ठीक है। लेकिन आज बिटकॉइन का आपको मैं रेट बताना चाहूँगा, 47 लाख के आसपास बिटकॉइन का रेट हो रहा है। आप सोच के देखिए, उस टाइम आपने 100 रुपये के भी बिटकॉइन ले के रख लिए होते तो आज आपके पास अरबों की संपत्ति होती। और इसकी जो स्पीड बताई जाती है 2 से 3 TPS की इसकी स्पीड बताई जाती है। उसके बाद आप देख रहे हैं सेकंड कुछ दिन के बाद, उसके कुछ साल के बाद आया एथेरियम ETH आया, और इसकी भी आज जो कॉस्ट है ये 70 पैसे से शुरू होता है, जिसकी 1,60,000 के आसपास की इसकी कॉस्ट है, और इसकी जो TPS है वो 20 से 25 TPS की इसकी स्पीड है। उसके कुछ साल बाद फिर ट्रोन आया और ट्रोन का आज रेट चल रहा है 12 रुपये के आसपास, ट्रोन का रेट चला हुआ आज, और इसकी जो स्पीड है वो 2000 TPS की इसकी स्पीड है। और इनसे आप देख सकते हैं बिटकॉइन से, एथेरियम से, इनसे 4 से 5 मतलब आप 8-10 गुना स्पीड इसकी तेज़ी से मान सकते हैं, इतनी तेज़ी से ये ग्रोथ कर रहा है। तो आप देख सकते हैं आज हमें ड्रोन के अंदर अपना फ्यूचर लगाना चाहिए और आज हमें इसके अंदर पूरी मेहनत करनी चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में आज की मेहनत की हुई हमारी आने वाली जो पीढ़ी उसको भी बेनिफिट मिले और हमें भी। आपको कुछ टाइम के बाद बहुत तेज़ी से इसका रेट है जो ग्रोथ कर रहा है, आपको अरबों रुपये की संपत्ति दिला सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि प्लान के बारे में, जैसे मैं बता रहा था कि प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ है। अब हम बात कर लेते हैं सीधा डायरेक्ट प्लान के ऊपर, कंपनी का जो प्लान है उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। हमने जो इसके अंदर आईडी क्रोसिस रखा है, इसके अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको प्लान शेयर करना चाहूँगा, ताकि आप किसी और को बताने में भी कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले जो इनकम है वो रेफरल इनकम है, उसके बाद अपग्रेड इनकम है, और तीसरी है ग्लोबल मैट्रिक्स इनकम, ठीक है। ये 3 प्रकार की इसके अंदर इनकम है। और प्लान पूरा प्रॉपर तरीके से हम बात कर लेते हैं। प्लान के अंदर जो आईडी कॉस्ट रखी है वो 2000 रुपये की कॉस्ट रखी है, और यूएसडी डॉलर के अंदर कंपनी की आईडी रखी हुई है। तो इसके अंदर आप यूएसडी डॉलर की जो कीमत रहती है, क्योंकि हम इसकी कीमत ट्रोन के अंदर, आईडी आपकी ट्रोन में ही लगेगी, लेकिन इससे क्या है ट्रोन में हम इसको फिक्स आईडी नहीं रख सकते थे, क्योंकि ट्रोन का रेट बहुत तेज़ी से घट रहा है, बढ़ रहा है। तो इससे क्या था, हमारे आने वाले टाइम में जैसे आज हमने 2000 की आईडी रख दी, तो आने वाले टाइम में इसकी जो कॉस्ट है वो मान लीजिए 20 रुपये होगी, तो आईडी की कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए यूएसडी डॉलर का जो रेट है वो 71, 72, 73, लास्ट 75 रुपये तक रहता है, तो 4-5 रुपये का फ़र्क रहता है। तो इसलिए हमारी जो आईडी की कॉस्ट है वो हमेशा फिक्स रहेगी, 2000 रुपये तक आईडी की कॉस्ट रहेगी, इससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। तो हम बात कर लेते हैं जो हमारी आईडी लगती है, $25 से हमारी आईडी लगती है। 7 लेवल का ये हमने प्लान निकाला है। पहला जो प्लान है आपको बात कर लेते हैं पहले लेवल की। पहला लेवल कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 लोगों को जोड़ना पड़ेगा। 2 लोगों के आप जैसे ही ज्वाइनिंग लेके आते हैं $25 के लेफ्ट में और $25 के डॉलर से राइट में, तो आपके पास टोटल जो बिजनेस आता है $50 का आपका बिजनेस आता है, और आपके पास टोटल जो अर्निंग हो जाती है $50 की आपकी इनकम होती है। उसके बाद आप सेकंड लेवल के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो $50 की आपकी इनकम हुई है उसमें से $30 आपके अपग्रेड के लिए चले जाते हैं। $30 जैसे अपग्रेड के लिए चले जाते हैं, उसके बाद आपकी नेट इनकम जो निकल के आती है वो $20 आपकी नेट इनकम निकल के आती है। उसके बाद ऐसे सेकंड लेवल शुरू होता है। सेकेंड लेवल में आपका क्या होता है सर, सेकेंड लेवल में आपकी 4 लोगों की टीम होती है, $120 का आपका टोटल बिजनेस होता है, $60 आपके अपग्रेड के लिए चले जाते हैं और $60 आपकी नेट इनकम निकल के आती है, जिसमें से 40% आपके डायरेक्ट अपलाइन को चला जाता है और 60% आपके सुपर अपलाइन को चला जाता है। ऐसे कंपनी का फिर तीसरा लेवल आता है,
और तीसरे लेवल में क्या होता है सर, आपका मतलब 8 लोगों की आपकी टीम हो जाती है और $480 का आपका टोटल बिजनेस होता है, जिसमें से $280 आपके सर अपग्रेड के लिए चले जाते हैं और $200 आपकी सर नेट इनकम निकल के आती है, जिसमें 40% आपके डायरेक्ट अपलाइन को और 60% आपके सुपर अपलाइन को चला जाता है। चौथा लेवल जैसे ही शुरू होता है सर, 16 लोगों की आपकी टीम होती है, टोटल बिजनेस आपका सर $4480 का आपका टोटल बिजनेस होता है, जिसमें से $500 आपके अपग्रेड के लिए चले जाते हैं और $3980 आपकी सर नेट इनकम निकल के आती है। आप इसको सर इंडियन रुपीज़ में करना चाहो तो 3980 × 75 कर दीजिएगा, आपकी इंडियन रुपीज़ में इनकम निकल के आ जाएगी कि कितनी इनकम आपको टोटल यहाँ से हुई है। उसके बाद जैसे आपका सर 40% आपके अपलाइन को चला जाता है डायरेक्ट जो आपके अपलाइन, और 60% चला जाता है सर आपके सुपर अपलाइन को। उसके बाद जैसे आपका पाँचवा लेवल शुरू होता है सर, 32 लोगों की आपकी टीम होती है, $16,000 का आपका टोटल बिजनेस होता है, जिसमें से $2,000 सर आपके अपग्रेड के लिए चले जाते हैं और $14,000 आपकी सर नेट इनकम निकल के आती है, जिसमें 40% आपके डायरेक्ट अपलाइन को और 60% आपके सुपर अपलाइन को चला जाता है। उसके बाद छठा लेवल शुरू होता है सर, 64 लोगों की आपकी सर टीम होती है इसके अंदर और $1,28,000 का आपका टोटल बिजनेस होता है, जिसमें से $5,000 सर आपके अपग्रेडिंग के लिए चले जाते हैं और $1,23,000 आपकी नेट इनकम निकल के आती है, जिसमें 40% आपके डायरेक्ट अपलाइन को और 60% आपके सुपर अपलाइन को चला जाता है। या आप इंडियन रुपीज़ में आप इनकम निकलना चाहें तो मैं जितने भी आपको नेट इनकम आपको मैं बता रहा हूँ इसको आप सर 75 कर दीजिए, आपकी नेट इनकम निकल के आ जाएगी कितने $USD का आपका टोटल बिजनेस हुआ, 75 करेंगे तो आपकी सर इंडियन रुपीज़ में इनकम निकल के आ जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सर लास्ट लेवल की, सातवें लेवल पर आपकी 128 लोगों की टीम होती है, 6,40,000 का आपका टोटल बिजनेस होता है, क्योंकि सात ही लेवल है इसमें अपग्रेड के लिए कुछ नहीं जाता तो टोटल पूरी की पूरी इनकम ये आपको बचती है, 6,40,000 टोटल $USD में आपकी नेट इनकम निकलती है, 40% आपके डायरेक्ट अपलाइन को और 60% आपके सुपर अपलाइन को चला जाता है। टोटल मैं बात करूं ऊपर से पहले लेवल से लेके सातवें लेवल से 254 लोगों की आपकी टोटल टीम होती है सर, और टोटल आपका सर यहाँ पर जो नेट इनकम जो आपकी निकल के आती है सर यहाँ पर 7,81,340 आपकी टोटल नेट इनकम निकल के आती है सर। इसको आप इंडियन रुपीज़ में निकालना चाहें तो गुना कर दीजिएगा सर 75 से, आपकी नेट इनकम निकल के आ जाएगी कितनी इनकम आपको इंडियन रुपीज़ में हुई। उसके बाद सर एक जो मैंने आपको बताई थी ग्लोबल मैट्रिक्स इनकम है तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। पहली जो हमारी मैट्रिक्स है वो तीसरे लेवल से हमारे यहाँ पर शुरू होती है और उसका नाम है स्मार्ट मैट्रिक्स। पहली जो हमारी स्मार्ट मैट्रिक्स है सर वो तीसरे लेवल से शुरू होती है। तो स्मार्ट मैट्रिक्स में आपको क्या करना पड़ेगा सर, इसमें आपको $250 से आपको एंट्री करनी पड़ेगी और 3 लोगों को आप यहाँ तक पहुँचा देते हैं $250 से एंट्री करने के लिए, तो आपकी स्मार्ट मैट्रिक का पहला पार्ट है वो कम्प्लीट हो जाता है। आपका जो टर्नओवर है $750 में आपका टर्नओवर होता है, जिसमें आपका सेकेंड पार्ट के लिए 500 अपग्रेड के लिए चला जाता है और आपकी जो नेट इनकम निकल के आती है वो $250 की आपकी नेट इनकम निकल के आती है। सेकेंड पार्ट में क्या है सर, 9 लोगों की आपकी टीम होती है और 500 इसमें अपग्रेड के लिए आपको एंट्री करना पड़ता है और 9 लोगों को आप $500 अपग्रेड करके ले आते हैं तो आपका सर टर्नओवर $4,500 का आपका टर्नओवर होता है, क्योंकि इसके 2 ही पार्ट हैं तो पूरा का पूरा आप ही को जाता है सर $4,500 प्लस 250 USD, तो टोटल आपका जो इनकम होती है वो $4,750 का आपका टोटल इनकम होता है। इसको आप इंडियन रुपीज़ में करना चाहें तो 75 कर दीजिएगा, तो जो पहली स्मार्ट मैट्रिक्स उठती है उस पर 3 लाख प्लस की आपकी इनकम पहली स्मार्ट मैट्रिक्स पे निकल के आती है सर। सेकंड लेवल है सर इसके अंदर सिल्वर मैट्रिक्स, चौथे लेवल की मैट्रिक्स होती है और ये वर्ल्ड में कहीं से भी पूरी कंपनी के अंदर कहीं से भी जो अपग्रेड आता है एक बार आप स्मार्ट मैट्रिक्स ले लेते हैं तो उसका प्रॉपर बेनिफिट आपको मिलता है सर। तो इसके जो पहला पार्ट है सर इसमें आपको एंट्री करने के लिए आपको $2,500 से आपकी एंट्री होगी, 3 लोगों को आप यहाँ तक लेके आते हैं तो 7,500 का आपका टोटल टर्नओवर होता है, 5,000 आपके अपग्रेड के लिए चले जाते हैं जिसमें से 2,500 आपकी नेट इनकम निकल के आती है। सेकंड पार्ट के अंदर क्या होता है सर, 5,000 से आपकी एंट्री होती है और 9 लोगों को आप यहाँ तक लेके आते हैं तो आपका टोटल टर्नओवर 45,000 का आपका टोटल टर्नओवर होता है, अपग्रेडिंग के लिए कुछ नहीं जाता क्योंकि इसमें भी 2 ही लेवल है तो आपका पूरा का पूरा $45,000 आपको बचते हैं, 2,500 ऊपर वाले और
45,000 आपके ये, तो आपका टोटल 47,500 USD का आपका बिजनेस होता है। ये पूरी की पूरी इनकम आपको निकल के आती है, गुना 75 करेंगे आपके नेट इंडियन रुपीज़ में इनकम निकल के आ जाएगी। ये थी सर चौथे लेवल की सिल्वर मैट्रिक्स। उसके बाद पांचवें लेवल की जो मैट्रिक्स आती है सर, वो है हमारी गोल्ड मैट्रिक्स। इसके अंदर आपको एंट्री करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5,000 USD से आपकी एंट्री होगी, तीन लोगों को आप यहाँ से, तीन लोगों की टीम यहाँ तक आप लेके आते हैं तो 15,000 का आपका टर्नओवर होता है, जिसमें से 10,000 USD आपके अपग्रेड के लिए चले जाते हैं। और नेट इनकम जो आपकी निकल के आती है सर यहाँ पर 5,000 USD की आपकी इनकम नेट निकल के आती है। उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर, जैसे आपका सेकंड पार्ट आता है 10,000 USD से आपकी एंट्री होती है और 9 लोगों को आप यहाँ तक लेके आते हैं तो 90,000 का आपका टर्नओवर होता है, जिसमें से आपके टोटल, इसमें सेकंड पार्ट के लिए कुछ नहीं जाता, 90,000 आपको बचते हैं। तो आपकी टोटल जो इनकम होती है सर, $95,000 की आपकी टोटल इनकम होती है। इसको आप इंडियन रुपीज़ में निकाल सकते हैं, 75 से गुना करेंगे तो आप इंडियन रुपीज़ में इनकम निकल के आ जाएगी। तो ये थी हमारी सर पाँचवीं लेवल की गोल्ड मैट्रिक्स। उसके बाद सर आती है सिक्स लेवल की जो मैट्रिक्स है, उसको हम बोलते हैं रॉयल मैट्रिक्स। रॉयल मैट्रिक्स में आपको एंट्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, 50,000 से इसके अंदर एंट्री होगी, तीन लोगों को आप यहाँ से तक लेके आते हैं तो 1.5 लाख का आपका टर्नओवर होता है, जिसमें से 1 लाख अपग्रेड के लिए चले जाते हैं और 50,000 USD आपके टोटल बचते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर क्या होता है सर, 1 लाख का आपका एंट्री होती है, इसके अंदर 9 लोगों को आप यहाँ से लेके आते हैं तो 9 लाख आपका टर्नओवर होता है, सेकंड पार्ट के लिए कुछ जाता नहीं तो टोटल ये पूरी 9 लाख की आपको बचती है। और आपकी टोटल जो इनकम होती है सर 50,000 ऊपर वाले, 9.5 लाख USD की आपकी टोटल इनकम होती है रॉयल मैट्रिक्स पे। लास्ट हमारी जो कंपनी की मैट्रिक्स है, वो सातवीं लेवल की मैट्रिक्स है, जिसको हम बोलते हैं क्राउन मैट्रिक्स। क्राउन मैट्रिक्स में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 लाख से आपको एंट्री करनी पड़ेगी, तीन लोगों को आप यहाँ तक लेके आते हैं तो 6 लाख का आपका टर्नओवर होता है, 4 लाख आपके अपग्रेड के लिए और 2 लाख की नेट इनकम आपको बचती है। सेकेंड पार्ट में 4 लाख से आपको एंट्री करनी पड़ती है, 9 लोगों को आप यहाँ तक लेके आते हैं, 36 लाख का आपका टर्नओवर होता है। और सेकंड लास्ट लेवल है कंपनी का, इसमें भी अपग्रेडिंग के लिए कुछ नहीं जाता तो टोटल पूरी की पूरी 36 लाख USD की इनकम आपको बचती है, 2 लाख आपने पहले कमाए थे तो टोटल आपकी जो इनकम है 38 लाख USD की आपकी इनकम निकल के आती है। तो ये हमारी पूरी की पूरी स्मार्ट मैट्रिक्स, गोल्ड मैट्रिक्स, सिल्वर मैट्रिक्स और क्राउन मैट्रिक्स थी। तो यहाँ तक पहुँचने में आप यहाँ तक लोगों को लेके आते हैं, मतलब 254 लोगों की टीम को आप क्राउन मैट्रिक्स तक पहुँचा देते हैं तो आपकी सर इनकम करोड़ों के अंदर आपकी इनकम चली जाती है, मात्र 7 लेवल कंप्लीट करवाने के लिए। तो सर आपको यदि करोड़ों की इनकम चाहिए और कम टाइम के अंदर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और एक अच्छी टीम बनाना चाहते हैं, एजुकेशन वाली टीम बनाना चाहते हैं, तो आपको सर edutron.network कंपनी ज़रूर करनी चाहिए और इसके अंदर अपना भविष्य लगाना चाहिए। तो यहीं जाके मेरा पूरा का पूरा बिजनेस प्लान समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो आपने पूरी देख ली, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यदि कोई भी बात आपको प्लान के अंदर समझ में ना आई हो तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, आप हमारे से कॉल करके आप हमारे से पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश यू सक्सेस। थैंक यू सो मच।